नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि चक्कर, उल्टी तथा चिंता को कम करने के लिए इसका उपयोग सबसे ज़्यादा लिया जाता है, जिसका नाम है एस्टेमेटिल इंजेक्शन। तो आइए हम इसका उपयोग जानेंगे, इसका ट्रीटमेंट जानेंगे और इसका साइड इफेक्ट जानेंगे। तो एस्टेमेटिल इंजेक्शन वैसे पेशेंट को दिया जाता है जो जिसको बार बार चक्कर आती हो, चिंता हो तथा बार बार उल्टी करती हो, तो इस पेशेंट को दिया जाता है। एस्टेमेटिल इंजेक्शन देने से पेशेंट में घबराहट की समस्या होती है वह कम होती है, चक्कर आना कम हो जाते हैं, चिंता भी इस इंजेक्शन को देने से कम हो जाते हैं और इसमें जो व्यक्ति घबराहट रहती है तो घबराहट को भी यह इंजेक्शन कम करती है। एस्टेमेटिल इंजेक्शन का साइड इफेक्ट, जब भी किसी पेशेंट को एस्टेमेटिल इंजेक्शन दिया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट अधिकतर देखा गया है डायरिया, हेडेच, एबिडोमिनल पेन तथा इचिंग तथा स्वेलिंग। एस्टेमेटिल इंजेक्शन का यही साइड इफेक्ट होता है। इसको इसका जो रूट होता है वह IM लगाया जाता है, वनली इसको केवल IM दिया जाता है यानी इंट्रामस्कुलर। तो दोस्तों, अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे न्यूरोबियन फॉर्ट इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यूरोबियन फॉर्ट इंजेक्शन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड हो सके। तो थैंक यू, नमस्कार।